ना मालूम कहां से ये चर्चा कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आई है, कुछ एक मीडिया चैनल्स में भी और सोशल मीडिया में भी कुछ एक दिन से। हमने इसकी स्पष्टीकरण दिया भी था लगभग 5-7 दिन पहले, परंतु न मालूम कैसे आज प्रातः से फिर से ये शुरू हो गया और ये कहा जा रहा है कि सरकार पेंशनर्स की पेंशन में कटौती करेगी कोरोना के फंड के लिए, और 30% उन्होंने तो आंकड़ा भी दे दिया कमाल का, उनकी कल्पना है कि कहा कि 30% कटौती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ काफ़ी समय से, पिछले एक सप्ताह से, आज फिर आपके माध्यम से ये कहने का प्रयास करेंगे। सरकार की ओर से, पेंशन विभाग की ओर से, पर्सनल मंत्रालय की ओर से कभी भी किसी प्रकार से भी इस विषय की ना चर्चा की गई है, ना ये कहीं ध्यान में आया है, ना ही कंसिडरेशन में आया। दूसरी एक और बात कही जा रही है कि साहब, और मुझे वो सुनकर के बहुत ठेस भी पहुंची कि साहब जो 80 वर्ष से ऊपर के पेंशन वाले सज्जन हैं उनकी पेंशन बिल्कुल बंद कर दी जाएगी और कोरोना फंड में डाल दी जाएगी। अरे कहीं कोई समझ सकता है, कोई मान सकता है कि मोदी जी के होते ये सरकार इतनी गैर संवेदनशीलता के साथ काम लेगी कि हम समझेंगे कि 80 वर्ष से ऊपर की आयु के जो पेंशन हैं उनको पेंशन की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे लगता है कि इसके पीछे या तो कोई शरारत है या कोई नासमझी है,